आइए आपको ले चलते हैं बिहार राज्य रोहतास जिला श्रीसागर प्रखंड के डंडवा बड़ी गांव में। आजादी के 66वां वर्ष होने के बाद भी 15 अगस्त 2013 समय 8 बजे दिन में गैर दलित राजपूतों ने 300 की संख्या में गोली बारूद बंदूक के साथ दलितों के धर्म स्थल रविदास मंदिर के परिसर में घुसकर शहीद निशान सिंह के स्मारक बनाने के लिए झंडा को गाड़ दिए। ये लोग झंडा तुलन करते हैं स्कूल के ग्राउंड में, लेकिन यहाँ हमारे जमीन पर जबरदस्ती दूसरा झंडा तुलन करते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि निशान सिंह का जमीन है और निशान सिंह का रहेगा। हम लोग झंडा को रोक रहे हैं कि नहीं फहराने देंगे, यहाँ तुलन नहीं करने देंगे। इन लोगों ने जुट कर गोली स्टार्ट कर दिया है, कम से कम 10 फायरिंग किया है। कुछ लोग घर में घुस गए हैं, यहाँ एक जो है झोपड़ी फूंक दिया। इसमें हमारा 6 आदमी सीरियस है और 1 आदमी डेड कर गया है। दोनों तरफ से लाठी चल रहा था, वो लोग बीस पर गए, बाहर पीछे हट गए और जो मंदिर में जो बूढ़े लोग थे, औरत लड़का सब पकड़ा गया। घर में समा के मारा है हम लोग के, औरत के लेकर के, औरत से। इसमें क्या था? सब कपड़ा पैसा, देखिए हम लोग सैंत के इसमें टांग दिया है, इसमें सब खूंटा खूटी है, इसमें टांग दिया है, ये सब हम लोग के जरा दीजिए। अब बूढ़ा बीढ़ी भी फिर भर्ती भी है। लाइसेंस के बारे में आपने क्या कहा? देखिए कानून में प्रावधान है, जिसने कानून तोड़ा है उस पर कार्रवाई होगी। डीएम और एसपी को हमने कह दिया है किसी भी तरह की कार्रवाई में कोताही नहीं रहेगी, ये मैं आपको बता दूँ। सजा तक पहुंचाया जाएगा, स्पीडी ट्रायल करके सजा तक दिलवाई जाएगी कोर्ट से। ये प्रयास सरकार का होगा, प्रशासन का होगा, पुलिस का होगा। जो भी ये हमला हुआ दलितों के साथ, इसमें पूरे 54 दलित मतलब कि घायल हैं और 1 की मृत्यु हो गई है। तो उसमें उसको उस समस्या को लेके राज्य अनुसूचित जाति आयोग के जो चेयरमैन विद्यानंद विकल जी हैं, उनके साथ हमारे सर्किट हाउस में मीटिंग भी हुई और उसमें ज़ोरदार तरीके से हमने उनको रखा बातों को और कहा कि जितना जल्दी हो सके इनको मुआवजा मिलना चाहिए, इन्हें प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और इसके अंतर्गत यह जो केस चल रहा है जल्दी कार्रवाई हो ताकि यह स्पीडी ट्रायल में भी डाला जाए। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से अपील है कि जिला पदाधिकारी का मोबाइल नंबर 94133624 पर कॉल कर दबाव बनाए ताकि घायल एवं मृतक व्यक्तियों को सही मुआवजा मिले और अपराधियों को सजा तक पहुंचाने में मेरा मदद करे। मैं अमरजीत कुमार, ग्राम पोर्सदोखर, थाना चेनारी, जिला रोहतास, राज्य बिहार, इंडिया, नहर के लिए।